शेखों के बारे में बताना चाहूँगी। शेख सच में बहुत बड़े शेख होते हैं। मेरी अपनी फ्रेंड है, वो इतनी बड़ी शेख है, बहुत बड़ी शेख है। और जो अराई हैं, अराई तो मैं अराई हूँ, मैं बहुत अच्छे होते हैं। और ये सबसे बड़ी फजूल बात है, अराई प्याज खाते हैं, बहुत फजूल किस्म की लॉजिक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और शेख बाकी उनसे पैसे निकलवाना इतना मुश्किल होता है ना कि आपकी सोच है। एक चाय का कप भी बहुत मुश्किल से पिलाते हैं वो लोग तो, और बहुत बड़े शेख होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। आपसे आपका नाम? हमजा। अच्छा हमजा भाई, आप ये बताइए कि ये जो कुछ स्टीरियोटाइप्स बनी है कास्ट के बारे में, कुछ शेख हैं, कोई अराई हैं, कोई राजपूत हैं, कोई बट हैं, तो उनके बारे में कुछ ना कुछ बात फेमस होगी। जैसे बट खूबसूरती बड़े खाना बड़ा खाते हैं, तो आप कुछ बताना चाहेंगे इनके बारे में कुछ ऐसी बात? यार ऐसी ये मेरे ख्याल से तो पुराने वक्त में सब कुछ होता था। अब तो हर जात में मतलब बुरे भी हैं अच्छे भी हैं, तो मतलब आप किसी को एक दो बंदों को देख के पूरी ज़ात को वो नहीं कर सकते, जज नहीं कर सकते। तो हर ज़ात में कोई ना कोई ऐसे होता, तो मैं इस चीज़ पर बिलीव नहीं करता। सारे मतलब अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? अली रजा। आपकी कास्ट क्या है? रहमानी। रहमानी, अच्छा इस कास्ट के बारे में कोई ऐसी बात बताए जो कि पहले से ना लोगों को पता हो। आई थिंक मतलब जो हमारी बरादरी के लोग हैं वो नेचुरली ब्यूटी ना ब्यूटी होते, मतलब प्यारे होते हैं काफ़ी ज़्यादा। अच्छा प्यारे होते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो आपके दोस्त वगैरह किस कास्ट के हैं? डिफरेंट का मैं वैसे तो बिलीव नहीं करता, लेकिन डिफरेंट कास्ट मतलब कास्ट ना कास्ट दोस्त हैं मेरे, कोई गुजर है, कोई राई है, कोई जाट है, ऐसे ही कोई राजपूत है। अच्छा गुजरों की बात की आपने, तो गुजरों के बारे में क्या मतलब आपके दोस्त की क्या खासियत है? मतलब कि वो नहाते नहीं है जल्दी। अच्छा नहाते नहीं है जल्दी। और इसके अलावा? जैसा कि अराई है उन्हें प्याज बड़े पसंद होते हैं। प्याज पसंद होते, तो आपके दोस्त को प्याज पसंद है? हाँ जी, उसे वो एक लगाव तो होता है, मतलब उसे तंग करते हैं बहुत ज़्यादा, तो इस चीज़ से बड़ी चीर खाता है कि यार प्याज प्याज जब खाने पे टेबल पे बैठे होता हम कहते हैं यार प्याज इसके आगे कर दो, इसको बड़े पसंद है। ठीक है जी, थैंक यू। शेख दे आर कंजूस बट दे आर कैटेगरीज लेस, बट एट अ टाइम ऑफ के एक दफ़ा क्लास में मींस के अक्सर क्लास में मींस के ये नहीं है हर क्लास में जो भी शेख होते हैं उनको मींस के उनको मजाक और जुगतें पड़ती होती हैं, मींस के यार शेख हो जो होंगे मींस के पंजाबी मेन सेंस ऑफ पंजाबी दे आर लॉट ऑफ कैसे आप कंफर्टेबल। हाँ मींस के यार के करिए कहते यार कोई बाहर आया लैंड के कहते हैं कुछ देव सदका सदका देव कहते हैं साइकिल कट के झूठे दे अलग बंदा कहते हैं ले जा हूँ ले देते नहीं ठीक है ना, तो वो करे देखो पैसे कितने में दो रुपये एक रुपया मनु दे दे कर रबला इज लाइक शेखों की के काफ़ी मजा। जट कमले होते हैं तो वाकई कमले होते हैं। अच्छा मतलब किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल उन्हें दो माह से एक मतलब यूनिवर्सिटी में टोटल 10-12 किलोमीटर चला देना किसके पीछे? एक बच्चे के पीछे। अच्छा दोस्तों में जहाँ गैदरिंग है हर कास्ट का बंदा होता है वहाँ पे इस तरह के फ़नी मोमेंट्स तो होते हैं आपके पास, और इस तरह की कास्ट से रिलेटेड आपके पास बातें तो बहुत सारी होती हैं। जैसे हमारे मेरा एक दोस्त है शेख है, मतलब वैसे तो दो दोस्त हैं शेख हैं, एक को आप देख के कह नहीं सकते कि वो शेख है कि मतलब वो इस तरह से पैसे लगाता है हर जगह पर सब कुछ करता है, और एक ऐसे कि उसको कहूँ हाँ शेख आज फ्री है वो चुप करके आ जाएगा, उसे मैं कहूँगा कि शेख यार सारे स्प्लिट कर रहे हैं अमेरिकन सिस्टम है, वो कहेगा यार मैं ज़रा नानों की तरफ जा रहा हूँ मैं कर नहीं सकता कुछ, तो इस वजह से। यार फनी मोमेंट में से ना मेरा एक दोस्त है शेख हैदर शेख, हम उसे शेख नहीं नेक कहते हैं। अच्छा माशाल्लाह उनका ये हिसाब है कि घर उनकी ऑडी खड़ी है फॉर्चुनर खड़ी है, लेकिन जब यारों की बारी आती है तो एक डब्बी सिगरेट की देने में उनको मतलब कोस्ट हो रही होती है। अच्छा। तो शेखों पर बात नहीं बनी हुई कि भाई बड़े वो होते हैं कंजूस से होते हैं, तीन भाई एक बाइक पर जाएंगे बाबू जी एक जूस लेंगे पी के तीनों भाई वापस आ जाएंगे, वो हिसाब है। तो इस तरह का यार मैं नहीं ज़ात पात को मानता, इसमें कोई फायदा यानी कि ना कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं होती ज़ात पात, किसी चीज़ में इम्पोर्टेंस नहीं रखती। बेसिकली मतलब कि ज़ातें तो वैसे इंसान को ना डिस्टिंग्विश करने के लिए बनी हैं, लेकिन वैसे इसमें ट्रू भी है कि कई ज़ातें होती हैं जो अब अपने मतलब कि ज़ात पूरा होता है, जैसे अराई हैं उनकी बड़ी मशहूर है कहते हैं अराई का बसा ना खाएँ, मतलब कहने का ये कि एक तो वो बंदा जिसके साथ भी लग जाए ना या उसे बर्बाद कर देता है या उसे ही बर्बाद कर देता है।
میرا ایک دوست ہے مغل ہے تو مغل بڑے اچھے دوست ہیں جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے بڑا اچھا ہے دوستی بڑی نہیں باتیں راجپوتوں کی طرح سے میں خود بھی راج ہوں لیکن ایک مسئلہ ہے کہ جہاں لڑکی آئی نا وہاں دوستی باڑ میں گئی ایک ایسے میرے سے واقعہ ہوا میں نے پیسے دینے تھے کسی کے 2500 روپے میرا دوست مغل تھا تو میں نے اس کے پاس پیسے تھے میں نے کہا یار چلو مجھے نا 2500 روپیہ دے دو میں نے اس کا ادھار دینا تھا میں نے ایک دوسرے بندے کا بھی ادھار دینا تھا کلاس میں تو جو جی میں نے اس کا ادھار دے دیا میں نے کہا یار میں نے اب اس کا بھی ادھار دینا ہے اب اس کے اس نے 2500 سے ڈیٹ مارنی تھی اچھا کہتا بھائی یہ 2500 ہے میں جا رہا ہوں تو باڑ میں جا مطلب پیسے لے کے گائب ادھر میں ذلیل ہو رہا ہوں مطلب جہاں لڑکی آ گئی وہاں مغل پانی پانی ہو جاتے ہیں جیسا کہ ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں بڑے خوبصورت الفاظ میں فرمایا تھا کہ کسی اجمی کو عربی پر کسی عربی کو اجمی پر کسی گورے کو کالے پر کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کے